Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Second week of September 2019 से जितने भी current affair के question बनते हैं तो उन सब को इंशाल्लाह इस वीडियो में discuss करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. इस वीडियो का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, सऊद अरेबिया किंग सलमान अपॉइंटेड हिज सन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान एज एनर्जी मिनिस्टर. तो सऊद अरेबिया के मौजूदा किंग सलमान ने अपने बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान को अपॉइंटेड किया एज एनर्जी मिनिस्टर. तो आप लोग ये भी याद रखें कि सऊद अरेबिया के जो मौजूदा किंग या जो मौजूदा सदर है उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान. सऊद अरेबिया का कैपिटल सिटी रियाज और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल. सेकेंड क्वेश्चन है, चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइलेटर फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग द थ्री साइड्स एग्रीड ऑन ए MOU ऑफ एनहेंसिंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. तो रिसेंटली चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्राइलेटर फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग की MOU साइन हुई टू एनहेंसिंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. किस लिए साइन हुई? टू एनहेंसिंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. तो आप लोग ये भी याद रखें कि फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान साइन हुए थे तो वो 2017 में बीजिंग में हुई थी. और रिसेंटली 7 सितंबर 2019 को जो थर्ड ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग हुए तो इसको पाकिस्तान ने हॉस्ट किया. किस डेट को हॉस्ट किया था? 7 सितंबर 2019 को. क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैज अपॉइंटेड जमाल मदोहेल एज चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट. तो पाकिस्तान के मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिसेंटली जमाल मदोहेल को अपॉइंटेड किया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट. किस डेट को अपॉइंटेड किया था? 12 सितंबर 2019 को. क्वेश्चन नंबर 4 है, चाइनीज पाकिस्तानी एयरफोर्स रैप अप शाहीन 8 जॉइंट एक्सरसाइज. तो रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के एयर फोर्सेस ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट किया जिसको शाहीन 8 का नाम दिया गया. क्वेश्चन नंबर 5 है, अफगान क्रिकेट टीम वन देयर फर्स्ट टेस्ट मैच. तो रिसेंटली अफगान क्रिकेट टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच जीता. इससे पहले अफगान क्रिकेट टीम ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था. और किसके खिलाफ उन्होंने ये टेस्ट मैच खेला? बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ. क्वेश्चन नंबर 6 है, हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन. अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथियोपिया में है. अफ्रीकन यूनियन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके टोटल मेंबर है 55 मेंबर कंट्रीज है इसके. इसका कियाम 9 जुलाई 2002 में हुआ था डरबन अफ्रीका में. इसके मौजूदा चेयरपर्सन है अब्दिल फातेह. और पाकिस्तान जो है ये अफ्रीकन यूनियन का मेंबर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड PAT चेयरमैनशिप. तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रिसेंटली पॉलिटिक्स और PAT के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया. PAT की फुल फॉर्म है पाकिस्तान अवामी तहरीक या पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट. तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है. ये पॉलिटिकल पार्टी थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की. इसका कियाम 25 मई 1989 में हुआ था और इसके फाउंडर थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी. तो रिसेंटली डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने PAT के चेयरमैनशिप और पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया. क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द करंट हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर है मिसबाउल हक. बॉलिंग कोच वकार यूनस, कैप्टन सरफराज अहमद और वाइस कैप्टन बाबर आजम. तो रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये चेंजेस हुए हैं. पहले जो चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे तो उसका नाम था इंजमामुल हक. तो रिसेंटली मिसबाउल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है. बॉलिंग कोच वकार यूनस, कैप्टन सरफराज अहमद और वाइस कैप्टन बाबर आजम. क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द करंट DJ रेडियो पाकिस्तान. रेडियो पाकिस्तान के मौजूदा डायरेक्टर जनरल है मिस शाहिरा शाहिद. तो
तो आप लोग इसे भी याद रखें कि एट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान पोजेस्ट 3 रेडियो स्टेशन। ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा गया है कि कितने रेडियो स्टेशन थे। तो पहला था पेशावर और रेडियो स्टेशन, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1936 को। दूसरा था लाहौर रेडियो स्टेशन, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1937 को। और तीसरा था ढाका, तो ये 1939 को ये रेडियो स्टेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू गर्ल टू सर्व एज पुलिस ऑफिसर इन सिंध। तो पहली पाकिस्तानी हिंदू गर्ल जो पुलिस ऑफिसर बनी सिंध में, तो उसका नाम है पुष्पा कोहली। पुष्पा कोहली ये रिसेंटली सिंध में पुलिस ऑफिसर बनी, और ये पाकिस्तानी हिंदू गर्ल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इशूड रेड लेटर्स टू 27 मिनिस्टर्स ओवर क्रिटिकल डिले इन कम्प्लीटिंग द टास्क असाइंड टू देम अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डायरेक्टिव। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस से 27 मिनिस्टर्स को रेड लेटर जारी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है, इसका नाम है कुमी नायडो। कुमी नायडो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है एमनेस्टी इंटरनेशनल के। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये इज अ ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट। ये किस चीज पर फोकस करता है, ह्यूमन राइट्स पर। द ऑर्गेनाइजेशन क्लेम इट हैज मोर देन 7 मिलियन मेंबर एंड सपोर्टर अराउंड द वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन ये दावा करता है कि पूरी दुनिया में इसके 7 मिलियन मेंबर और सपोर्टर मौजूद है। तो इसका मेन काम है ह्यूमन राइट्स, फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसका क्याम जुलाई 1961 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्याम जुलाई 1961 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द लीडर ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के मौजूदा लीडर है हसन नसरुल्ला। हिजबुल्ला जो है इज अशिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लबनान। तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है लबनान में हिजबुल्ला, और इसके जो मौजूदा लीडर है उसका नाम है हसन नसरुल्ला। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमंग इट्स मेंबर एवरी मंथ। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के की जो प्रेसिडेंटशिप है, तो ये इसके जो मेंबर कंट्रीज है, तो उसके दरमियान घूमता रहता है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो घूमता रहता है। मतलब अगर कोई कंट्री जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो इसका मेंबर जो है पहले वो ए वाला बनेगा, बी वाला, सी वाला, इस तरह जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये हर मंथ चेंज होता है। हर मंथ इसका जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके जो मेंबर कंट्रीज है उसके दरमियान। क्वेश्चन नंबर 15 है, करंट हिजरी ईयर इज अ। तो मौजूदा जो हिजरी ईयर है वो है 1441 AH। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल। पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेजर जनरल आमिर अकरम। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु बिकम्स प्लेयर ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम विंस गोल्ड मेडल एट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन दुबई। तो इसका आंसर है जुल्फिया नाजिर। जुल्फिया नाजिर जो है ये इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता एट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन दुबई, जुल्फिया नाजिर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द करंट अपोजिशन लीडर ऑफ सिंध असेंबली। सिंध असेंबली के मौजूदा अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी। तो आप लोग ये भी याद रखें कि पंजाब असेंबली के मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है। तो पंजाब असेंबली के मौजूदा अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज शरीफ, जिसका ताल्लुक PML नॉन पॉलिटिकल पार्टी से है। KPK असेंबली के अपोजिशन लीडर है अकरम खान दुरानी, जिसका ताल्लुक MMA से है। बलूचिस्तान असेंबली के
जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है उसका नाम है मलक सिकंदर खाना और इसका ताल्लुक एमएमए से है। नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है उसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिसका ताल्लुक पीएमएल नून से है। और सेनेट में जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है उसका नाम है राजा जफरुल हक और इसका ताल्लुक भी पीएमएल नून से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान अनाउंस सब्सक्रिप्शन टू आईएईए सप्लीमेंट्री गाइडनेस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डिसयूज्ड रेडियो एक्टिव सोर्स आना। तो इसका आंसर है 11 सितंबर 2019। तो पाकिस्तान ने 11 सितंबर 2019 को सब्सक्राइब किया टू आईएईए सप्लीमेंट्री गाइडनेस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डिसयूज्ड रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो आईएई के बारे में जान लेते हैं। तो आईएईए जो है ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है आईएईए की। और इसका मेन मकसद क्या है? तो द आईएईए इज द वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड प्रमोटिंग द सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रमोट करता है सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसका कियाम 29 जुलाई 1957 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है आईएईए का और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 171। 171 इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है और पाकिस्तान भी आईएईए का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, साइंटिस्ट डिस्कवर ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ स्पाइडर स्कॉर्पियन। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली स्पाइडर और स्कॉर्पियन का जो ओल्डेस्ट एंसेस्टर है वो डिस्कवर किया और इस एंसेस्टर का नाम है मोलिजोनिया लेनोवेट्रेक्स इसका नाम है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया एज अ ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।